एक फाइल है, सो सिंपली मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ टाइम लाइन पे। सो टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं सिंपली। सो उसके बाद हम इसमें एडिटिंग शुरू करेंगे। सो आज मैं सिंपली कलर बैलेंसिंग सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट कलरफुल वीडियो को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट बनाने वाले हैं। सिंपली हम लोग कुछ एक ही इफेक्ट डालने वाले हैं जिसमें टिंट। सो यहाँ पे वीडियो देख लीजिए आप लोग, मैंने दो क्लिप लिया है, फ्री वीडियो से लिए हैं। सो सिंपली हम लोग अभी इफेक्ट में जाएंगे, देन सर्च टिंट, TINT टिंट। सिंपली आप लोग को सर्च बार में टिंट सर्च करना है, देन सिंपली आप लोग को दिख गया है। उसके बाद ड्रैग एंड डाउन करना है सिंपली लेयर्स को क्लिप पे, वीडियो क्लिप पे। उसके बाद सिंपली इसका डिफॉल्ट कलर है, एक्चुअली डिफॉल्ट कलर ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। सो सिंपली हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाके देख सकते हैं। सिंपली वीडियो एक बार ऑन करके देख लेते हैं, पहले कलरफुल था, अभी नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो भी बहुत अभी इफेक्ट के लिए यूज हो रहा है। मतलब सिंपली वीडियो क्लिप डालते हैं जो रैपर्स लोग, हम लोग को बहुत यूजफुल रहता है, और हम लोग यूट्यूबर्स को भी बहुत हेल्दी रहता है। मतलब कुछ क्लिप्स डालने के लिए अच्छा रहता है इंट्रो से इंट्रो। सो सिंपली सेकेंड वीडियो भी ब्लैक एंड व्हाइट है। अभी मैं ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को कोई भी कलर में चेंज कैसे कर सकते हैं वो दिखाने वाला। सिंपली दूसरा कुछ भी इफेक्ट नहीं है। सो हम लोग जाएंगे अभी टिंट है, एक्चुअली फिर से हम उसको ड्रैग एंड डाउन करेंगे। रियल डेथ ये वाला रियल है, सो रियल फुटेज है। सो टिंट फिर इफेक्ट को हम लोग ड्रैग एंड डाउन कर रहे हैं लेयर पे। सो सिंपली इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कीज है। सो सिंपली हम लोग को नीचे जाना है और यहाँ पे टिंट दिखाई दे, देख लीजिए मैं फोकस कर रहा हूँ वहाँ पे। सो सिंपली हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है मैप ब्लैक टू मैप वाइट टू, मतलब वाइट टू लाभ 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 कुछ में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लैक टू ऐसा ही। सो सिंपली मैं यहाँ पे कलर चूज कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर चूज कर लीजिए। सिंपली वीडियो ऑन कर लीजिए, रेगुलरली वही रहेगा। एनिमेशन भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको एनिमेशन करके। अभी सिंपल वीडियो बोला, आप कोई भी चूज कर लीजिए, मैं ब्लू ले रहा हूँ। अभी देख लीजिए ब्लू हो गया, मतलब कि नाइट सीन्स, डे सीन्स, मॉर्निंग सीन्स आप कुछ भी बना सकते हैं। सो और सिंपली हम लोग आप प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं, मेरा डिफॉल्ट है इसके लिए टाइम टू टाइम मेरा सेव होता रहता है। सो सिंपली मैं टाइम ऑन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे यहाँ तक लेके जाके मैं फिर से कलर चेंज करूँगा ब्लू टू जस्ट मोमेंट। हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बार को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी टाइमलाइन से भी बार डाल सकते हैं। सिंपली मैं डिफॉल्ट उसमें जाऊँगा, डिफॉल्ट लेआउट में जाने वाला हूँ, और यहाँ पे एडिट स्पेस है, वहाँ पे विंडो पे भी मिल जाएगा आप लोग को। सो सिंपली हम मैं यहाँ पे की फ्रेम ऑन कर चुका हूँ, तो यहाँ आप लोग को कन्फ्यूज मत होना। सिंपली मैंने की ऐड किया है, तो की ऐड यहाँ पे किया है। सो और फिर से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, कोई भी आप ऐड कर लीजिए, ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक। तो यहाँ तक जाने के बाद फिर से मैं यहाँ कलर पे जाऊँगा, कलर सैम्पलिंग पे। तो वाइट टू अभी देख लीजिए, वाइट से सीधा रेड होते ही जाएगा, रेड ग्रे रेड मिल जाएगा। देख लीजिए अभी एनिमेशन हो चुका है, और सिंपली आप वीडियो को ऑन करके देख लीजिए। सिंपल देख लीजिए अभी वाइट टू ग्रे में जाएगा, सिंपली कोई भी नहीं है, सिर्फ जस्ट बहुत सारा इफेक्ट ऐड करेंगे तो आप बहुत हो जाएगा। लाइट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लाइट ऐड किया तो इसका फोकसिंग बहुत ज़्यादा आता है। सो सिंपली अभी देख लीजिए ग्रे
ग्रे रेड में जा रहा है, सिंपली ग्रे रेड में जा रहा है, व्हाइट टू ग्रे रेड। और सिंपली दूसरा भी मैं एक वाइट, एक्चुअली मैं सजेस्ट करूँगा आप वाइट टू एनी अदर्स कलर्स पे चूज करिए, क्योंकि ब्लैक ज़्यादातर यूज नहीं होता। अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो यूज करिए, वरना वाइट ही यूज करना। फिर से हम लोग की ऐड करेंगे एक और, सो उसको मैं बैक कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाइए, फिर से की ऐड कीजिए और फिर से इसका ड्रैग करिए कहाँ तक आपको एनिमेशन करना है। सिंपली मैं थोड़ा सा ही स्पेस ले रहा हूँ और वाइट टू रेड कर रहा हूँ। फिर से मैं वाइट टू रेड, सिंपल दोनों का काम ही एक ही है। रेड टू वाइट भी कर सकते हैं आप, यानी आपको जैसा बनाना है वैसा ही कर सकते हैं सिंपली। सो सिंपल देख लीजिए, रेड सॉरी वाइट टू ब्लैक होने वाला है एनिमेशन। थोड़ा हेवी हो चुका है सिस्टम, इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ।